मैं दोस्तों बस में जा रहा था सली वैली, तो रास्ते में मुझे ये मिल गए। ये यहाँ के लोकल हैं, चरवाहे, देख लीजिए, भेड़ बकरियाँ, कुत्ते भी हैं आपके पास? नहीं। अच्छा अच्छा, वो जो पावर हाउस के पास बैठे हैं ना, वो आपके जानने वाले हैं गद्दी? अच्छा, उनके साथ जाओगे आप? आज है दोस्तों 7 अक्टूबर। अभी ये कम भेड़ बकरियां हैं क्योंकि ये यहाँ पे लोकल ही चरा रहे हैं। कुछ चरवाहे ऊपर चले गए हैं पहाड़ों पे, वहाँ से वो आएंगे, फिर 500-600 भेड़ बकरियां इकट्ठी करके चले जाएंगे निचली तरफ, निचले इलाकों की तरफ। तब तक मैं ये देख लीजिए दोस्तों, ये है गद्दी नस्ल की बकरी। इतने बड़े बड़े बाल हैं इसके, देखिए। इनसे ये चरवाहे नीचे बिछाने के लिए मैट बनाते हैं जिसके अंदर पानी नहीं जाता है। ये जो भेड़ है गद्दी नस्ल की, इसकी ऊन से ये कपड़े पहनते हैं, कंबल बनाते हैं और कोट वगैरह बनाते हैं जिनके अंदर पानी नहीं जाता, फटते नहीं है झाड़ियों में। अभी इनमें से पहने नहीं है किसी ने। ये देखिए ऊपर तो धुंध छा गई है, उनका घर उस साइड है कहीं पे। धुंधी धुंध छा गई है। अभी ये देखिए सड़क के साथ ही यहाँ पे भेड़े चरने लग गई हैं बकरियाँ भी। इस रोड पे उतना ट्रैफिक नहीं होता, वहाँ पे बैल चर रहे हैं और गाय नीचे खेत जोत रहे हैं बैलों से। खेत में क्या लगाया है वो? मक्की। ये यहाँ पे लगे हैं ना, ये जो ये बहुत ही खट्टे होते हैं खाने में। अभी आप नीचे भी जाओगे दूसरी डिस्ट्रिक्ट में? आप यहीं रहते हो मतलब सारा साल? जिनके पास ज़्यादा माल होता है वो जाते हैं? सो जाते। अच्छा अच्छा, आपके पास कितना माल है ये? अच्छा 50 आपका है, 50 इनका है। अच्छा अच्छा, सही है सही है। और अभी तो ऊपर पहाड़ों में होंगे? हाँ पहाड़ों में रहते हैं। इस रोड पे बहुत ही कम गाड़ियाँ चलती हैं, तो दूर से एक टेम्पो आ रहा है, रुक गया तो ठीक है, आगे चलते हैं फिर देखते हैं। यह आ गया टेम्पो दोस्तों, देखते हैं रुकता है या नहीं। भाई सली कहाँ तक जाना? हाँ जी चलो भाई। तो दोस्तों भाई जी ने मुझे लिफ्ट दे दी वहाँ से, अभी देखते हैं आगे कुछ मिलता है तो वापस तो जाना ही है आज। ऐसे रोड है दोस्तों यहाँ पे सली को पहुँचने के लिए, और ऊपर भी एक छोटा सा वाटरफॉल है। ये देखिए आज मैं फिर से दोस्तों सली वैली पहुंच गया। ये देखिए ऊपर बादल ही बादल छा गए हैं। ये है थोड़ी मार्केट, थोड़ी ये है। उस दिन मैं यहाँ से गया था, ऊपर पावर हाउस है उससे ऊपर, फिर थोड़ा सा ट्रैक किया था, फिर चरवाहे मिले थे। अभी देखता हूँ क्या मिलता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने चाउमीन ऑर्डर कर दिया तब तक, तो इसने दोस्तों यहाँ पे छुपा दिया है कंचा। खेलते हैं अभी, तू खेल पहले, चलो मैं देखता हूँ कितने अच्छे से खेलते हो।
इसको क्या बोलते हैं? पिल। पिल ना, मारो। नीचे बैठ के खड़े होगे नहीं बैठ के? इसमें डालो, इसमें अब इसमें डालनी है। अब मेरी बारी है, पकड़ो, बस वहाँ पर रखो, अब मैं मारता हूँ। जीत गया मैं दोस्तों, मैं जीत गया। कैसे कर दिया? मैं भी पहले यही खेलता था स्कूल में। वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे आ गया हूँ पैदल चौमिन खाने के बाद, क्योंकि बस लगी हुई थी वो चली गई। अब बस जाएगी करीब यहाँ से आपके 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे यहाँ पे क्या करना है बैठ के, कुछ लिफ्ट ही देखते हैं। लिफ्ट भी क्या देखनी, यहाँ पे करीब 1.5 किलोमीटर में पैदल आ गया लेकिन एक भी व्हीकल नहीं गया यहाँ से। ये देखिए घास यहाँ पे पेड़ पे सुखाने के लिए डाल रखा है, और मैं दोस्तों काफ़ी आगे आ गया हूँ पैदल सल्ली वैली से। पहले मैं वहाँ पे था, वहाँ मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ जैसे से मुझे वो टेम्पो मिला था। वहाँ से दोस्तों एक बस आ रही है सल्ली वैली के लिए, लास्ट बस है ये, सल्ली वैली में रुकेगी, शाहपुर से आ रही है, और 5:30 बजे फिर सल्ली वैली से वापस चले जाएगी शाहपुर को। तो हैप्पी बस है और यही मुझे मिलेगी। तब तक मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ऊपर पहाड़ी पे चढ़ जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे चरवाहे दिख रहे हैं। ये वो चरवाहे नहीं है जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले दिखे थे रोड पर, ये कोई और हैं, और वहाँ पर उनका टेंट है, लोकल ही हैं ये, लेकिन ऊपर अभी चढ़ गए हैं ये। ये देखिए हैप्पी बस ये है दोस्तों। ये देखिए कितने ख़राब रोड है यहाँ से, यहाँ पे तो फिर से ठीक हो गया। सल्ली वैली से वापस आ रहा था तो जिस टेम्पो वाले अंकल ने मुझे लिफ्ट दी थी वही मिल के फिर से, ये दरअसल सप्लाई करते हैं सामान का शॉप्स में, यहाँ भी रुके हैं अभी। तो देखिए नज़ारा आप, यहाँ पे भी कुछ भेड़ बकरियाँ चल रही हैं, और ऊपर दोस्तों एक लग विलेज है ये बता रहे हैं मुझे, बहुत अच्छे नज़ारे वहाँ पे, एक ग्राउंड भी है, एक टेंपल भी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ भी जाऊँगा। यहाँ जैसे से है ऊपर के लिए रास्ता,